बागेश्वर तो धाम का लगातार विरोध चल रहा है। आयोजक बोल रहे हैं कि जब उन्होंने माफी मांग ली है तो फिर आप विवाद का क्या मतलब है? देखो, पहली बात तो बीजेपी की तरफ से कांग्रेस हिंदू विरोधी है इस तरह का जो वक्तव्य किया जाता है उसका बीजेपी को हमारा सवाल ऐसा है कि मैं कांग्रेस का अध्यक्ष हूं, मैं खुद हिंदू, लेकिन जो खुद जिसको ये संत बता रहे, महाराज बता रहे, उनको अगर संतों का संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज जी का उसके विचार और उनकी महत्वता उनको पता नहीं हो और उनको अवमान करने का काम महाराष्ट्र में बागेश्वर जी ने किया है, उसी का सवाल हमने सरकार को पूछा है। राज्य के मुख्यमंत्री और राज्य उप मुख्यमंत्री को हमने खत लिखा है, उनको हमने कहा कि जो महाराष्ट्र के नहीं तो देश के नहीं तो दुनिया के, क्योंकि संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज जी इनका जो दायरा है वो बहुत बड़ा है, उनकी विचारधारा को आज भी हर संत उसको अपनाते हैं और ये हमारे महाराष्ट्र से है और इसलिए यहां आकर अगर हमारे संतों के बारे में अपशब्द कोई कहेगा और लेकिन बीजेपी इसको हिंदू और अलग लेके कि कांग्रेस हिंदुओं का विरोध करती है, कांग्रेस हमेशा हिंदुओं का सम्मान करती है। मैं खुद कांग्रेस का अध्यक्ष हूं महाराष्ट्र प्रदेश का, मैं खुद हिंदू हूं, जब बीजेपी का पाप का हंडा फूटना लगता है तब वो हिंदुओं को सामने लाते हैं और हिंदू के ही खुद सुरक्षक है। आज महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या हो रही है तो हिंदू है, क्यों नहीं सामने आती उनको बचाने के लिए, क्यों नहीं उनके लिए योजना बनाती है, वो सवाल का जवाब वो नहीं देंगे। लेकिन हमने राज्य के मुख्यमंत्री और राज्य मुख्यमंत्री को हमने खत लिखा है और ऐसे वक्तव्य करने वाले जो संत अपने आप को कहते हैं उनके बारे में आपने पूछताछ करना चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए, ये मांग हमने की है और वो कोई गैर नहीं। देखो, कमलनाथ जी ने वहां पे क्या शिरकत की हमें पता नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र में आकर इस तरह का वक्तव्य जो किया जा रहा है और संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज जी के बारे में किया जा रहा है उसका गुस्सा महाराष्ट्र के जनता में है और इसलिए सरकार ने क्लियर करना चाहिए कि ऐसे जो कोई आता है और यहाँ के संतों के बारे में गलत बोलता है ये कदापि हम सहन नहीं करेंगे। आपके चैनलों के माध्यम से दिखाया गया, उनको दिखा देना था अपना चैनल से कि जिस तरह से वक्तव्य नागपुर में किया था तुकाराम महाराज जी के बारे में, तो ये झूठ बोलने वाली पार्टी बीजेपी। कल ही उनके एक विधायक ने विधान परिषद में कहा कि हमारे पास ऐसा निर्मा है कि भ्रष्टाचारी लोग हमारे पास आए कि उसको हम धो डालते हैं, तो क्या भ्रष्टाचारियों की भर्ती बीजेपी में हो गई तो गंगा नहा लेते हैं? पेट में जो था वो अभी वोटों में आ गया है, जो मैं खाने नहीं दूंगा ना खाने दूंगा ऐसा बोलने वाले नरेंद्र मोदी जी आप भ्रष्टाचारी लोगों को सम्मिलित कर रहे हैं, एक उद्योगपति को अपने मित्रों को पूरे देश के लोगों का पैसा लुटा के दे रहे हैं, क्या उसका जवाब क्यों नहीं देते? और इसलिए बीजेपी जो वक्तव्य और जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, अब लोगों को ये समझ गया कि बीजेपी ये कोई धर्म की नहीं है, बीजेपी सिर्फ सत्ता के लिए कुछ भी कर सकती है और अब जनता को समझ में आ गया। और इस तरह का व्यवहार आज अपन ने देखा होगा कि पार्लियामेंट में राहुल जी को बोलना था और हमारे सभी सांसदों ने माननीय अध्यक्ष जी महोदय जी को लोकसभा के कि राहुल जी को बोलने दो, तो देश को आज वैसे तो काला दिन बोला जाएगा कि वहां का सब आवाज ही मूट करवा दिया, आवाज ही बंद कर दिया। क्या लोकसभा चलते हुए अगर इस तरह का कभी हुआ नहीं जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के राज में लोकसभा में कामकाज मूड किया जाता है, आवाज बंद किया जाता है, ये तो ये डेमोक्रेसी के लिए खतरे की बात है, इसका हम निषेध करते हैं। राहुल जी को बोलने क्यों नहीं दिया जा रहा है इसका भी जवाब देना पड़ेगा। राहुल जी ने यही कहा कि मोदी जी का और अदानी जी का क्या संबंध है, इतना ही देश की जनता को बताना है, क्यों नहीं बता रहे, क्यों छुपा रहे, ये सवाल अब जनता भी पूछने लगी है। संकल्प के थ्रू हो गए, ऐसे में
तीन हफ्ते हो गए, ऐसे में जनता को क्या मिला इस हफ्ते से? महाराष्ट्र और विदर्भ को क्या इसके फायदे? देखो ये अर्थसंकल्प किसान विरोधी था, युवा विरोधी था, गरीबों के विरोध में था। और जिस तरह से इस अर्थसंकल्प को अमृत धारा में बहाने वाला और इस राज्य को सुजलाम सुफलाम बनाने का सपना दिखाने का काम जो किया गया, यह अमृत धारा नहीं, यह विष धारा है जो राज्य की जनता को लूटने के लिए इस अर्थसंकल्प को रखा गया था। आज इसलिए किसान रास्ते पे आए हैं। आज नासिक से मुंबई तक किसान पैदल आना शुरू हो गया, उनके पैरों में खून बहना चालू हो गया, सब्जियां रास्ते पे फेंकी जा रही है, प्याज रास्ते पे फेंका जा रहा है, कपास रास्ते पे फेंका जा रहा है। किसान परेशान है, युवा परेशान है, गरीब परेशान है, कौन खुश है? और इसलिए यह अर्थसंकल्प मुट्ठी भर लोगों के फायदे के लिए बनाया गया ऐसा अर्थसंकल्प है। बघा, मला त्याच्यावर जिथपर्यंत कोर्टाचा निर्णय येत नाही त्याच्यावरची कुठली प्रतिक्रिया द्यायची नाही, पण मंत्रालयात ज्या पद्धतीची कुजबूज चालू झालेली आहे आणि मंत्रालयामध्ये जसे फायली क्लिअर करायचं काम सुरू झालेलं आहे, त्याचा अंदाज असा बांधला जातोय। कॅबिनेट ही रेग्युलर प्रोसेस आहे, त्यामुळे कॅबिनेट सरकार जाते म्हणून घेतली जाते असं नाही म्हणतायत, पण तिथं लगभग मंत्रालयात जे चाललेलं आहे त्या लगबगीच्या आधारावर लोक अंदाज बांधतात आहेत। आणि म्हणून मला जिथपर्यंत माननीय न्यायालयाचा निर्णय येत नाही त्याच्यावर आपल्याला प्रतिक्रिया देण्याचं कुठलं कारण नाही। आपण फायली लवकर लवकर क्रिया केल्या जातात असं सांगतात आहेत लोक, तेवढंच लगबग चालू आहे। अजूनही काही सरकार आम्ही फक्त पंचनामे करतोय एवढंच सरकार सांगतंय। गाराचं पूर्ण थरच्या थर आपल्याला, जसं आपल्याकडे हिमालय तयार झालेला अशा पद्धतीचं चित्र आपण दूरचित्रणाने पाहतोय, वस्तुस्थिती तीच आहे। सरसकट मदत करायची भूमिका सरकारने करायला पाहिजे। 20 लाख कर्मचारी संपावर गेलेले आहेत, खाली कोणी पंचनामा करायला राहिलेला नाही। आजच मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं की कलेक्टर पंचनामा करायला गेलेले आहेत, म्हणजे हास्यास्पद बात आहे की कलेक्टर पंचनामा करायला जातच नाही, पण मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं कलेक्टर पंचनामा करायला गेलेले आहे। आणि म्हणून सरकार शेतकऱ्यांना थोपवतो आहे, खोटं बोलत आहे, आणि फक्त आम्ही शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणार नाही असं म्हणतात आहेत, पण शेतकऱ्याला वाऱ्यावर सोडून दिलं म्हणून शेतकरी आत्महत्या करताय। आणि म्हणून सरकारने पुढाकार घेतला पाहिजे, हे काही राजकारणाचा भाग ठरू शकत नाही। शेतकरी अडचणीत आलेला हे सरकार मान्य करतं, मग सरकार तिजोरी काल सरकार शेतकऱ्यांसाठी खोलत नाही, उघडत नाही आणि त्याला तातडीनं मदत करत नाही, हा प्रश्न या निमित्तानं निर्माण होतो। आणि शेतकरी विरोधी धोरण सरकारचं भारतीय जनता पार्टीचं पाहायला मिळत आहे। अजून चालू आहे मीटिंग, मी आताच मुख्यमंत्र्यांकडून आलो आणि ते लवकर मध्यस्थी करून तो विषय संपवला पाहिजे अशी भूमिका आम्ही मांडली। देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाइव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राइब करा, तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।